तो ये हम पहुंच गए, एक गांव है, ये है रक्षम। रक्षम गांव में आपका स्वागत है। यहाँ से अगला गांव पड़ता है चितकुल। बढ़िया है जी, नज़ारा यहाँ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ देखो, पहाड़ों के बीच बसा है, अब क्या चाहिए, इतनी शांति। ये अरे यार, रोड एकदम इतना ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं उसमें से एक ही किलोमीटर चला हूँ, ओ गॉड, शह 9 किलोमीटर भी और है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलना है, चलना है तो पहुँचना ही है। मुझे लगता है शायद 4:15 तक पहुँच जाऊँगा। ये कुछ रोड तो ठीक लग रहा है, तो 2-4 किलोमीटर स्पीड बढ़ा सकता हूँ, बहुत भी नहीं, थोड़ा सा। ये पहला मुझे मिला छुटकू सा वाटर क्रॉसिंग, और ये क्रॉस भी हो गया। ओह, यहाँ से भाई 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर और है अभी चितकुल। और ये देखो, हो क्या रोड है यार, एकदम ख़त्म रोड है ये तो। ओह बाप रे, अब तो सच बताओ मैं, बहुत हालत ख़राब हो रही है अब तो। अब तो तेज़ वाली ठंडी लगने लगी, अब लग रहा है जैकेट निकालना पड़ेगा, बिना जैकेट का काम नहीं चलेगा। उत्तरी ये हिमांशु, ये वाला रास्ता ठीक नहीं है, चल 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 फटाफट फटाफट निकल ले, भाग हिमांशु, भाग 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 भाग। ओह ठंडी लगी, ठंडी लगी, रुक, सबसे पहले डालो जैकेट। ठंडी ठंडी बहुत बर्फ वाली हवा चल रही है यार। हो और ये सामने पहाड़, खैर इस वाले पहाड़ पे ऐसा बर्फ नहीं है, पत्थर यार यहाँ गिरने वाले हैं एकदम। ये वाला पहाड़ ना एकदम से ठीक नहीं है, देखो देख रहे हो, लग रहा है कि जैसे गिरेगा, देख रहे हो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं इससे। तो ये वाला जगह थोड़ा सोच समझ के आने का है, देखो ये गिर रहे हैं पत्थर। चितकुल 4 किलोमीटर है भैया से, बस अब पहुंचने ही वाले हैं, 15 मिनट और लगेगा ये 4 किलोमीटर पहुंचने में। हाँ रोड ही ऐसा है, क्या करना है, और संभल के चला रहा हूँ ना, धीरे चला रहा हूँ, ठंडी लग रही है, रोड सही नहीं है, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। चलो यहाँ से यहाँ तक का रोड तो थोड़ा सही दिखा, जहाँ सही दिखे वहाँ पर तो थोड़ा सा स्पीडअप हो जाता है, और जहाँ नहीं है वहाँ तो 5-10 पे भी चलाना पड़ रहा है। बस अब इंडिया ख़त्म ही होने वाला है। ओ और ये रोड पे पानी ही हिमांशु, इसलिए देख के चले हैं, क्योंकि ये स्लाइड करता है पानी की वजह से। ये तो नीचे चल रहा है, कोई नहीं जानो, अब ठंडी लगने लगी बहुत ज़ोरों की यार, कोई बात नहीं है, अब लास्ट ही है, पहुँचेंगे, बहुत होगा तो आधा घंटा रुकेंगे और फिर शायद निकल लेंगे। ये क्या करें, रुक जाएं, तारी बज रहा है भी, चलो देखता हूँ। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकांगपियो। एक्चुअली मैं रिकांगपियो में नहीं हूँ, वहाँ के एक लोकेशन पर हूँ, और ये बहुत सा खूबसूरत सा लोकेशन है यार, और ये एक रिवर फ्लो हो रही है इधर, और ये इन्हीं इसी घाटियों के बीच मैं रुका हूँ, दिखाता हूँ कहाँ, मैं बता रहा हूँ मैं कहाँ रुका था रात में। ये था मेरा आशियाना कल रात का, ये है एक कंटेनर। ये कंटेनर में घर जैसे बने हुए हैं, मुझे काफ़ी देर हो गई थी आने में, उधर से बहुत बारिश सी हो रही थी, मैं भीग गया था, इसलिए मैं बहुत आगे जाना नहीं चाह रहा था, और रात भी हो रही थी, तो बस मैंने बाइक खड़ी की, कुछ लोग थे यहाँ पर उनसे बातें की, और वो लोग मुझे रखने के लिए रेडी हो गए, बस रुक गया, और क्या था। ये कंटेनर और इन भाई ने मुझे रुकने के लिए मुझे यहाँ जगह दे दिया, और क्या, बस हो गया, निकल गया ना, तो क्या चाहिए।
हैं भाई प्रेम भाई, ठीक है, इनका नाम है प्रेमचंद। इनका दिल से बहुत बहुत आभार, इन्होंने मुझे रात में रुकने के लिए दिया, वो भी यहाँ अपने पास, जो भी है प्रेजेंस, मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू आप लोगों का भी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कभी। ओके, एक्चुअली कल जो है ना मेरे बहुत टाइम निकल गए, मैं वहाँ पे कपड़े उपड़े धुलने लगा, लेकिन वो भी तो ज़रूरी थे यार, कपड़े उपड़े धुलना भी तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर पहनूंगा क्या। और रोज़ मैं सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे रात में अगर मैं कपड़े सब धुल देता हूँ तो सुबह तक सूखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है। दिन में क्या होता है ना कि धूप, तेज़ धूप होती है तो सूख जाते हैं कपड़े। और एक बहुत ऑकवर्ड मोमेंट बताऊँ, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। बुरा क्या, मतलब ठीक है, ट्रैवल के ड्यूरेशन में ऐसा होता है, जितने मेरे कपड़े गीले कपड़े थे ना वो मैं अपने बाइक पर डाल रखा था, बनियान हो, टी शर्ट्स हो, मेरे जीन्स हो, हर कुछ, और भी अंडर गारमेंट्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे बाइक से, बाइक पूरी बाइक पे बिखरी पड़ी थी। एक महिला मिली, वहाँ बोल रही है कपड़े बेच रहे हो क्या, मुझे इतना ख़राब लगा, बोले अभी कहाँ कपड़े बेचने के लिए जा रहे हो तुम। मैं बोला नहीं, कपड़े नहीं बेच रहा हूँ मैं। वेलकम्स यू टू रिकॉन्ग पीओ, ये लो, ये जो स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेलकम्स यू रिकॉन्ग पीओ। चलो जी, मैं बोला ना वो कि वो बाहर का पार्ट होगा वो। हम लोग ऑफिशियली रिकॉन्ग पीओ में आ गए हैं, अब यहाँ पे ढूंढना है मुझे कुछ खाने का जुगाड़। पेट और यह सब कुछ बंदी, ओ देख रहे हो, ओ, ओ, ओ बिना देखे क्या ही कर रहे हो मानसो, तुम खड्डे देख लिया करो यार, कभी कभी यही होता है, देखने में खड्डे नहीं दिखते। कुछ नाश्ता के लिए कहाँ देखूँ, ये है रिकॉन्ग पीओ मार्केट एरिया, अब यहाँ पे कुछ नाश्ते के लिए देखता हूँ। ये रहा कुछ तो है, ये छोला पूरी, छोला पराठा, पता नहीं क्या है। ये वाला रास्ता बता रहे हैं कुछ लोग, दूसरा वाला रास्ता बता रहे हैं, तो फाइनली मुझे समझ में आया कि दोनों साइड से रास्ते हैं, ये एक सिंगल टर्न में रास्ता पहुंचा देता है और वो बहुत सारा टर्न में पहुंचाता है, तो कोई बात नहीं, चलता हूँ इस साइड से, उतर जाऊँगा उस साइड से, और क्या। और हम लोग चल रहे हैं यहाँ से कल्पा के लिए। भाई ब्रेकफास्ट हो गया, बढ़िया सा क्या, मतलब ऑयली मैं बहुत ज़्यादा खाता नहीं हूँ, बट फिर भी ठीक है, चलेगा, कभी कभी तो चल ही सकता है ना, इसमें क्या है। पानी वहाँ से मैंने रिफ़िल करा लिया, ओह, और इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद जो है ना चाइना पड़ जाता है, इस वाले पहाड़ के बाद। ओह, ठंडी सी लग रही है, मतलब तेज़ धूप है लेकिन ठंडी लग रही है, मतलब ठंडी अच्छी वाली ठंडी है ये। देख के अच्छा लग रहा है ये। कुछ लोगों ने बताया कि आप ये सिंगल रोड में बहुत ऊपर नीचे टर्न किए हुए सीधे पहुंच जाओगे, मतलब सिर्फ एक ही टर्न लेना होगा आपको, और वो वाला जो रोड है वो नीचे ऊपर दायां बायां बहुत करके जाना पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा सुनसान सा रास्ता है, जंगल से गुजरता है, बट ठीक है, कोई नहीं, चलेगा, अपना क्या है। बेस्ट रोड बढ़िया है, इधर सीन्स वैसे ही हैं जैसा चितकुल के साइड में मुझे मिल रहे थे, लेकिन कम से कम रोड ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया है। और कल शाम में जो मेरे साथ हो रहा था ना, बारिश हो रही है, अरे टाइम हो रहा है, जल्दी से जाना भी है, थोड़ा सा गलत डिसीजन मैंने लिया, मुझे लगा शायद बारिश नीचे उतरने से नहीं होगी, बट ठीक है, कोई नहीं, होता है। 4:30 में वैसे मैं चितकुल से वहाँ से निकला था, रिटर्न हो रहा था, तो कितना दूर है यार, कुछ भी बोर्ड वोर्ड कहीं कुछ नहीं लिखा है यार, कैसे पता चलेगा। हाँ, एक बोल रहा था गेट के अंदर नहीं जाना है, उससे लेफ्ट ले लेना है, देखता हूँ कौन सा गेट कहाँ, गांव पांगी, अच्छा ये पांगी, यही बोल रहे थे राधा स्वामी, पांगी चला जाएगा, ये गांव है, मुझे लेफ्ट लेना था। अच्छा चलो, अभी तक तो सही जा रहा हूँ मैं, कोई नहीं है, बिल्कुल वीरान सुनसान सा इलाका है, हालांकि खूबसूरत है, नो डाउट, खूबसूरती में तो कुछ बोलना ही नहीं है, देख रहे हो, वो अच्छा लग रहा है, ये पहाड़
बस दिल खुश हो जाता है ऐसे व्यूज देख के। अरे जाने दो यार मुझे, साइड से ले लो हिमांशु, बेचारों को परेशान ना करो। चलो जाओ 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 जाओ। ओ सब स्टेशन है ये है भुटकू, और ये भुटकू।